इन दोस्तों आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं फेविगन चैनल। तो दोस्तों वैसे तो हम गारमेंट इंडस्ट्री और जो डाइक्लिनर है उनके जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अभी काफ़ी टाइम से 7-8 महीने के अंदर काफ़ी स्टूडेंट जो सर्विस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि सर हमारा फला फला डिपार्टमेंट में वाशरमैन के लिए इंटरव्यू है, तो सर कुछ हेल्प कीजिए। तो मेरा उनसे यही कहना था कि आजकल आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर यूट्यूब के अंदर काफ़ी जानकारियां होती हैं, काफ़ी लोग आपकी हेल्प के लिए लगे हुए हैं। फिर भी उन्होंने पूछा कि सर कि जो चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं वो वैसे नहीं मिल रही। बाकी मैंने कहा कि आप वीडियो देखिए, वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। बाकी उनका ये कहना था कि कपड़े के विषय में नॉलेज नहीं है, तो कपड़े के नॉलेज होना तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। और नरी जो आम कपड़े होते हैं, आम कपड़ों में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो केमिकल गिनती के ही होते हैं, ज़्यादा ये नहीं कि आपको 70-80 केमिकल यूज़ करने हैं। आपको जो आम जो धुलाई होती है जो वो करनी है, बाकी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के विषय में। बाकी कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल तो है नहीं इस टाइप के कि आपको कहीं से ट्रेनिंग मिल सके। बाकी आपको यहीं से ही यूट्यूब से ही आपको हेल्प मिलेगी। हमारे टाइम में तो खैर कुछ था ही नहीं, लेकिन आजकल उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। तो उसमें यही है कि जैसे इसमें केमिकल हैं, जैसे स्पॉटिंग के लिए ब्लैक स्पॉटिंग, ब्लैक जो दाग होते हैं कपड़ों पे, किसी भी कलर के कपड़े पे हो, उसके लिए ब्लैक स्टेन हो या गम के गोंद के दाग हो, ऑयल के दाग हो, उसके लिए अमाइल एसीटेट, इंक के दाग या कोई ऑयल वगैरह के दाग इस टाइप के, या नैन पॉलिश के दाग, इसके लिए एसीटोन हर एक कलर के कपड़े पे लग जाएगा। तो उसी तरह हार्ड स्टेन है, जैसे कल को ये कॉलर कफ होते हैं उसमें चिकनाई से काफ़ी चिकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा वो गंदा लगता है कॉलर वगैरह कफ वगैरह, उसके लिए, या हार्ड स्टेन जो होते हैं ऑयली या ग्रीस टाइप के, उनके लिए स्टेन ऑफ है, हर एक जगह मिल जाता है, अवेलेबल है सब जगह। और जैसे वाइट कपड़ों पर जंग के दाग वगैरह लग जाए तो उसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, और रंकार्ट है, ओब्जोलिक है, वाइट के लिए रंकार्ट ओब्जोलिक, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट और ओब्जोलिक, और दोनों के लिए रंगीन और वाइट के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF। और बाकी जो वाइट कपड़ों पे वैसे दाग ले आते हैं हल्दी वगैरह के इस टाइप के, तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्स है, ये तो स्पॉटिंग का हो गया। उसी तरह वॉशिंग में आ जाता, वॉशिंग में सर्फ साबुन लिक्विड सोप सोडा है, सोडा बाई कार्ब यानी मीठा सोडा, बाकी हाइपो ब्लीच एस्टिक एसिड वाइटनेस के लिए ऑप्टिकल वाइटनर, तो ये है। बाकी कलर वगैरह लगाने के लिए रिवाइव है, रिवाइव ड्राई में भी होता है पाउडर बेस में, और लिक्विड भी मिलता है आजकल, अरारोट है, मैदा है, ऐसे शॉपनर के लिए कपड़े को सॉफ्ट करना, तो शॉपनर के लिए सिलिकॉन शॉपनर है, एक तो सिलिकॉन होता है एक शॉपनर होता है। जो शॉपनर होता है, शॉपनर होता तो लिक्विड ही है लेकिन पेस्ट टाइप होता है, और जो सिलिकॉन है सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह साफ होता, लिक्विड वो भी है। तो ये है कि आप इसी को याद रखेंगे। बाकी डीसी के लिए MTO यानी वाइट पेट्रोल, मेडनेट ट्रिपन ऑयल, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC ये है। बाकी मशीन में चलाने के लिए पर्क यानी परक्लोइथिलीन है, जो कि मशीन में चला सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी बनाए हुए हैं, वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको ज़्यादा केमिकल के झंझट में ना पड़ के जो ऑर्डनरी केमिकल होते हैं, जो आम केमिकल होते हैं उनसे ही आपको काम चलाना है, ज़्यादा आप डीपली ना घुसें उसमें, क्योंकि
इतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सक्सेस होंगे आप, ये मेरी गारंटी है कि आप उसको, और उसके लिए करना क्या है, ये शुरू करने से पहले एक काम आपको करना है, आप अपने माता पिता और बड़े जो परिवार के हैं सबके आशीर्वाद लेके इस काम को शुरू करें। और इसमें आपको ये नहीं कि 2-4 घंटे मतलब उसमें घुसना है, उसको रट्टा मारना है, आप जब भी टाइम मिले, अभी वो जो बच्चे बता रहे थे, अभी जो अजमेर से जो फ़ोन आया था, इससे पहले लुधियाना से आया था, इससे पहले गुजरात से आया था, हरियाणा से था, तो ये है कि आप जब भी टाइम मिले बीच बीच में वीडियो देखिए, वो वीडियो देख के आपको उसमें बिल्कुल हर एक तरह की हेल्प मिलेगी। बाकी वैसे हेल्प चाहिए तो आप नंबर मैंने दिया हुआ है कि आप उससे व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप सक्सेस होते हैं तो उसकी फ़ीस भी है, और फीस आपको देनी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि ये मेरा हक है। अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपको करना क्या है, आप अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति उदारता और सम्मान रखेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे कि जैसे आपकी हेल्प की है आप भी लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि समाज कहीं और से बन के नहीं आता, समाज को हम ही लोग बनाते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि सभी गलत है, कि सब गलत होते तो ये दुनिया ख़त्म हो जाती, ये बैलेंस बना रहता है, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और दूसरे टाइप के हर एक तरह के होते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि हम अच्छे इंसान बने, बाकी कुछ बने ना बने अच्छे इंसान बने। और जब आप अच्छे इंसान होंगे तो आपको तरक्की और हर एक चीज़ में आपको बरकत होगी, ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों ये है, ऐसा आप व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के साथ चाहते हैं, उसी आचरण को औरों के साथ अपनाएं। तो दोस्तों एक ये छोटा सा वीडियो था कि जो भी हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, जो भी इस टाइप के इंटरव्यू देने की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इससे बिल्कुल लाभ उठाएं। और मेरे लायक कभी भी आपकी कोई अगर ज़रूरत पड़ती है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए तत्पर हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर नए विषय पर। जय हिंद, जय भारत।